हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं स्मार्ट किचन टूल्स के बारे में, जो मैं बेसिकली यूज़ करते आ रही हूं अपने किचन में और जिसको यूज़ करने से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। सो आप सब में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना नया किचन बना रहे होंगे या जिनको आइडिया नहीं कि किचन में किन चीज़ों को रखना चाहिए जिससे उनका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उन सभी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो मिनी चॉपर है, ये आपको 150 से 250 रुपीज़ के अंदर जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और जब मैंने इसको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था तो मुझे लगा था कि ये इतना हेल्पफुल नहीं है। चलो कभी कभार के लिए सही है, बट इससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है क्विकली, लाइक आप नूडल्स बना रहे हैं या फिर आप ओट्स बना रहे हैं, मसाला ओट्स तैयार कर रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको फटाफट से चाहिए होता है चॉपिंग करना होता है। तो अगर आपको बड़े साइज़ में करना है तो भी आप इसमें इजीली कर सकते हो, और एकदम सॉफ्ट चॉपिंग चाहिए एकदम महीन वाली तो वो भी इसमें चॉप्ड हो जाता है। सो इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा माई किचन टूल्स में। सो उस समय मैंने इसको रिसेंटली परचेज ही किया था और मुझे यूज़ करते शायद 1 से 2 मंथ हुआ था। ये जो ब्लेड है ये बहुत ही शार्प है, आप देख सकते हैं, और यही बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो है ना वर्क करती है चॉपिंग का। तो चॉपिंग का जो काम है आपको वो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट बना देती है। तो मेरे मोस्टली जो है मैं सब्जियां भी जो है इसी में चॉप करके यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बार बार ग्राइंडर नहीं चलाना पड़ता है। सो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल है ये मिनी चॉपर। ये मिनी चॉपर तो आपके किचन में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है गाइज़। जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो है टोस्टर। क्योंकि अगर आप भी उनमें से एक है जिनको चाय के साथ टोस्ट लेना पसंद है, तो आपको एक टोस्टर में ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। मेरा जो ये टोस्टर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी तक इसमें कोई ख़राबी नहीं आई है, एकदम ईजी टू यूज़ है और क्विकली काम हो जाता है। इसमें बहुत ही सिंपल मैथड है इसको यूज़ करने का, कैसे इसको यूज़ करना है आइए देख लेते हैं। गाइस, ये फिलिप्स का टोस्टर कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये मैंने ये ब्लैक कलर में भी आता है, मैंने यहाँ पे ये स्टील कलर, ये फुल ब्लैक में भी आता है और वाइट कलर में भी आता है, इस तरीके से जैसे मेरे मिक्सर का कलर आप देख रहे हैं। बट ये मैंने इस कलर में इन्वेस्ट किया और इससे मुझे यूज़ करते ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए हैं। सो आई थॉट कि ना इसका रिव्यू शेयर किया जाए कि कितना इजी और इफ़ेक्टिव है ये यूज़ करना। मैं आपको बताती हूँ, ये आप देखिए। जब आप प्लग ऑन करेंगे तभी ऑन किया ना, अब ये नीचे जो है आसानी से हो जाएगा, देख रहे हैं आप, और ये हीट आने लगी यहाँ पर और ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाता है जैसे। जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस है वो है ये, कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इससे जूस निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अगर आप भी जो है डेली जूस लेना प्रेफर करते हैं, या फिर आपको जूस मतलब अपने हाथों से जूस बना करके लेना अच्छा लगता है कंपैरिजन टू कि मार्केट का लें, रेडीमेड ऑप्शन की बजाय आप क्विकली घर पे हैंडमेड अपने हाथों से जो है फ्रूट जूस निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल, क्विक और इफ़ेक्टिव ये है ये वाला जूसर। इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कर लीजिए, ये इसमें कोई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही हो जाता है ये। फ़िलहाल मेरे पास कोई फ्रूट जो है प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। ऑरेंज है, मौसमी है, आपको क्या करना है बस इसको बीच से कट करके, अनार है, इन सभी के जूस आप जो है क्विकली निकाल सकते हैं इसमें। इसको बस हाफ़ कट करना है, उसके बाद रख करके आपको हाथ से घुमाना है इस तरीके से, और इसके बाद हैंड जूसर की हेल्प से आप फ्रूट जूस ईज़िली घर पर निकाल सकते हैं और फ्रूट जूस को इन्जॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मुझे लगता है कि हर किचन में होना ही चाहिए। गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये सैंडविच मेकर, जो मोस्टली हर घर में पाया ही जाता है। जब भी आपको क्विकली कुछ खाने की क्रेविंग्स हो, आपके पास ब्रेड हो, तो आप सैंडविच इजीली तैयार कर सकते हैं। बस आपको मसाला तैयार करना है, या फिर आप मैगीज डाल के बनाना चाहते हैं, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, चीज़ डाल करके आपने बस इसको अपने सैंडविच मेकर में रख दिया और उसके बाद 10 मिनट के
5 से 7 मिनट के बाद ये एकदम रेडी हो जाता है, तो बहुत ही क्विकली है ये। अगर आपको क्विकली कुछ खाने का मन हो तो आपके पास एक सैंडविच मेकर ज़रूर होना चाहिए। आप इसमें पनीर वगैरह भी जो है वो रोस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कन्वीनियंट है, तो इससे मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई। मुझे यू नो तवे पर सेकना नहीं पड़ता सैंडविच को। मैं इसमें रख देती हूँ। इसको क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको क्लीनिंग हैक्स में, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा उसको। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी हो गई है सैंडविच मेकर को यूज़ करने से। मुझे नाश्ता बनाने में जब भी मुझे सैंडविच खाने का मन होता है बहुत ही ईजिली बन जाता है। चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, किस ब्रांड का है। लेट्स सी। सो गाइज़, ये सैंडविच मेकर जो है वो महाराजा ब्रांड का है। इस तरीके से आप 2 सैंडविच एक बार में रेडी कर सकते हैं। इस तरीके की इसकी कुछ अंदर का जो लेयर है वो ब्लैक कोटिंग की गई है, और पकड़ना इसको बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। आप ईज़िली इसको लेकर के यू नो पिकनिक वगैरह पर जा सकते हैं अगर आपको मतलब ले जाना हो, और ईज़िली इससे आप नाश्ता भी अपना रेडी कर सकते हैं। और इसमें इंडिकेटर भी दिया हुआ है, साथ ही साथ ये बिल्कुल भी यू नो ग्रिप नहीं करता है, फिक्स हो जाता है एक जगह पे, क्योंकि इसके हैंडल में वो दिया गया है, रबर वाली जो ग्रिपिंग होती है वो दी गई, जिसकी वजह से ये एकदम प्लेस हो जाता है और इधर उधर खिसकता नहीं है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे ये देखिए आप इंडिकेटर जल जाता है। जैसे ही हम इसमें रखेंगे सैंडविच तो ग्रीन इंडिकेटर जलेगा, और होने के बाद रेड इंडिकेटर जल जाता है। बहुत ही ज़्यादा इजी और यूज़फुल है ये। तो गाइज़ आपने देख लिया, तो मुझे लगता है ये चारों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है और हर घर में होने ही चाहिए, हर किचन में एक्चुअली होने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आपके काम को ये फास्ट कर देता है, आपका काम जो 10 मिनट में होने वाला होता है वो 5 मिनट में ही हो जाता है। सो गाइज़, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।